की डोली तो इसी में बारात जाएगी ना, मेन मार्केट का खमचे था कहना चाहिए थे। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर ट्रेडिशनल। बिल्कुल। तो ये सबसे खतरनाक पैसा अगर यहाँ से नीचे गिरते हैं। तो आज का मौसम आप देख सकते हैं, जैसे कि बारिश आने के पूरे आसार हैं और बर्फबारी भी हो सकती है यहाँ पे। तो अभी मैं ले रहा हूँ चाय का लुफ्त और आप एंजॉय कर सकते हैं पौड़ी का नज़ारा। तो आज हमको जाना है गैरसैंड, वहाँ मेरे हैं दोस्त की भाई की शादी। तो काफ़ी अच्छी जगह है गैरसैंड और वो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। तो पहुंच चुके हैं हम शादी वाले घर पे गैरसैंड। तो काफी अच्छी जगह है, रात को तो पता नहीं चल रहा लेकिन सुबह दिखाऊंगा मैं आपको पूरा व्यू। तो यहाँ पे सभी गांव वाले बना रहे हैं अभी खाना। तो आज ही न्यूतेज उसके आप देख सकते हैं। तो यहाँ बाहर से कोई भी हलवाई नहीं बुलाते, सब गांव वाले ही बनाते हैं। और यहाँ पे हो रहा है मतलब पहले आप देख सकते हो। और वो रहा सामने गैरसैंड, दिख रहा होगा आपको। तो सुबह आपको बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा गैरसैंड। और ऊपर है जो हमारी राजधानी, मतलब जो हमारा विधानसभा है। तो ये हमारा रूम जहाँ पे आज हम रहेंगे। कन्नू कितने किलोमीटर गाड़ी चला गया आज? 150 किलोमीटर। और ये देखो अंजन की फोटो मैंने खींची थी उसकी FRI में, और अंजन का पूरा परिवार ही देखो। तो इस वाले भाई की शादी है, तो अभी तक ये भाई तो हमें मिला नहीं है। तो हमारे अंजन के घर और अंजन के भाई की शादी। तो अंजन से आपने पहले भी देखा होगा अंजन को बद्रीनाथ वाले ब्लॉग में। तो अंजन बताएंगे कौन से भाई की शादी है उसकी? अभी ये सेकंड वाले भाई की है। नॉलेज अच्छा, इस भाई की शादी इसके बाद फिर 2 महीने फिर इसकी है। अच्छा 2 महीने बाद अंजन भाई, तुम कब कर रहे हो? हम कर लेंगे यार, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की देखो, अरे पौड़ी से 2 बाराती आए हैं। 2 आए थे पौड़ी से यार। क्या है, कैसा लग रहा है करण? अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद गांव की शादी। नहीं तू तो गया था ना गांव की शादी में? अच्छा लग रहा है। हमने तो सोचा इसके होगी पैसे। इसकी शादी में तो अलग ही माहौल है। आगे चल रहा है, पता है कि इसकी नहीं है। तो अभी प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे खाना, और यहाँ पे लग रहा है एक अलग तरीके का चौका जो मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। तो हो चुका है यहाँ पे खाना तैयार और लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले महिलाओं को खिलाया जाता है और सारे इसमें गांव वाले हाथ बटाते हैं। कोई बाहर से मतलब एक्स्ट्रा वर्कर और कैटर्स नहीं बुलाए जाते, सभी गांव वाले यहाँ पे हाथ बटाते हैं खाना बनाने में भी और खाना बांटने में भी। तो महिलाओं ने खा दिया, वह पुरुषों की बारी खाना खाने की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल किया जाता है। वो अभी ये है तीसरी पंक्ति बैठी है यहाँ पे। तो काफी भीड़ है इस गांव में, मतलब काफी लोग रहते हैं इस गांव में। तो अंजन ने बताया 150-150 परिवार रहते हैं इस गांव में। तो सोचो इस गांव की आबादी कितनी ज्यादा होगी। देख सकते हो आप सामने अब डांस हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग, और सुबह का ये नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस गांव में। तो आज है हल्दी हाथ और आज ही बरात प्रस्थान होगी और आज ही घर वापसी होगी बरात की। तो देख सकते हैं आप तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं, बस अब दूल्हे का मंगल स्नान होना है, उसके बाद बरात प्रस्थान होगा यहाँ से।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है सुबह और रात को बहुत ही तगड़ी नींद आई। करण सबसे जल्दी उठा हमें से, करण अब उठ रहा है। अंजन भाई तो सो ही नहीं, पता नहीं क्यों ना, शादी वाले घर पे थोड़ा और करेंगे ब्रश, और उसके बाद थोड़ा गांव जाएंगे, दिखाएंगे आपको गांव। रात को देख नहीं पाए थे तो रात को देखते हैं कैसे लगता है। तो अभी चलते हैं गांव भ्रमण में, और अभी दूल्हे नहाने में थोड़ा टाइम है तो गांव घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो काफी अच्छा गांव है, दूर दूर घर है यहाँ पे। तो हमें मिल चुका है मोहित रावत। रावत तो मोहित तुम्हारे गांव को नौ क्या चे क्या तेज बोलन तेज परवाड़ी परवाड़ी अच्छा अतुमन मेन मार्केट का हम चेता कैसे कना च गया थे अभी नहीं दिखे नूने ना। अच्छा तुम्हारे घर मोड़ी च कहमा ये वाला। अच्छा तो ये है मोहित के घर। ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं गायों के लिए होते हैं ना। हाँ। क्या बोलते हैं इसको कूड़। अच्छा कूड़ बोलते हैं इसको। तो इसमें गाय रहती है, गाय मतलब घर के अंदर ही नहीं रहती, गायों के लिए अलग बनाया रहता है गाँव में। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा गाँव, और ऊपर हमारा विधानसभा भवन देख सकते हैं आप। और ये नीचे हरे भरे सरसों के खेत। तो यहाँ आगे रानी खेत लग जाता है, 109 किलोमीटर दूर यहाँ से रानी खेत है। ये 6 में 10 वाला का गया, लग रहा है किसी एंगल से 10 में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्कूल में इतने पढ़े रहते हैं ना 10 वाले। तो ये जो ये वाले घर होते हैं होते गाय के लिए, इसके लिए बोलते हैं छानी। इसके अंदर ही गई है, तो हमने देखी नहीं एक भी गाय इस गांव में, लेकिन छानी बहुत ज्यादा है इस गांव में। तो अभी चलते हैं हम गांव भ्रमण में। काफी बड़े बड़े मकान हैं इस गांव में, और रास्ते देखो आप सब देख सकते हैं। तो बिल्कुल मास्टर प्लान से बना होगा ये गांव, जब बसा होगा निकासियां इसमें हर तरफ देखने को मिलेगी आपको। तो आप ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं इस गांव का, रास्ते के बगल से बिल्कुल, जिस वजह से मतलब बरसात का पानी रास्ते में ना आए, इससे पूरा पानी पास हो जाए। इसकी सिमेट्री देख सकते हो, ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ है। और सिमेट्री देखो इन पत्थरों की, बिल्कुल सीधा देखो, बिल्कुल सीधा है। तो पहले के लोग बहुत ही कारीगर होते थे, अभी के लोग भी हैं, लेकिन पहले इतनी नॉलेज टेक्नोलॉजी यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो फिर भी देखो आप ऑर्गेनिक तरीके से बना जाता था हर चीज। टाइम बाद दिख गई हमको गाय। अब पीछे देख सकते हैं आप एक दूधा टोली, जो पौड़ी से भी सामने दिखता है, तो वहाँ बर्फबारी देख सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे गायों की छानी होती है, तो इसमें एक चीज देखने को मिली मेरे को, इसके अंदर देखो इनके लिए अंगीठी भी जलाई जाती है, ताकि
गाय को गर्माहट मिले और हर चीज गाय का यहाँ पे घास हर चीज पे रहती है। तो ये थोड़ी अलग चीज थी, थोड़ी देखने को मिली। तो ये है दूल्हे की डोली, तो इसी में बारात जाएगी ना, दूल्हा ही जाएगा ना इसमें। तो ये भाई अभी पत्थर भी बताएंगे कि कौन से पत्थर इस यहाँ यूज होते हैं घरों पे, बता रहा था कहाँ पे भाई को रख रहे हैं। अब बोल बोल कहाँ कहाँ मिलते हो पत्थर। चलो ठीक है। तो देखो मिट्टी के घर आप लोग देख सकते हैं, काफी गर्म होती है इसकी दीवारें, बिल्कुल ठंड नहीं होती है, और जो हमारे द्वार होते हैं काफी नीचे नीचे होते हैं। ये है अंजन लोगों का पुराना घर, अंजन बताएंगे इसका डिस्क्रिप्शन कितना पुराना है। 40 साल पुराना, अबे 40 से ज्यादा होगा। देखो बहुत काफी पुराना घर है ये, आप इसको फर्श देख सकते हैं। आपका उस टाइम कोई मशीन नहीं थी, लेकिन फिर भी कितना प्लेन है। तो ये हमारा सुबह का खाना, पूरी और छोले। और अभी बज रहे सुबह के साथ, सात तो नहीं बज रहा, 11 बज गए। तो ये भाई भी ब्लॉगर हैं, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम क्या भाई आपका? भैया हमारे यूट्यूब अंकित सजवान ब्लॉग्स, अंकित सजवान। ये भाई भी हमारे ब्लॉगर हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हिमालयन मॉन्क वैभव, हिमालयन मॉन्क से भाई का चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों चैनल, दोनों के चैनल। चलो फिर एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और इधर अपने रोहित भाई, भाई की कटिंग देख सकते हैं, भाई की कटिंग, रोहित भाई और कटिंग दिखा दे भाई, फैन हो गए। और भाई साहब रोहित भाई कहाँ से इंस्पायर हुए आप? बहुत चाय मिल जाएगी, चाय मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर ट्रेडिशनल बांस की टोकरी, इसकी बनावट देख सकते हैं, इसमें काफी देर तक गर्म भी रहती है। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं बारात में। तो बारात काफी आगे निकल गई है। रंजन भाई का हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ का ये रूल होता है कि जो बारात में जाता है ना उसको ये लगाना पड़ता है, हाँ माला वहाँ पे मिलेगी। तो हम काफी नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बोरा सामने गांव, और ये खेत देख सकते हैं यहाँ के स्टेप फार्मिंग पहाड़ की। भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट रास्ता है, पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, कहीं पे दो दो कहीं पे तीन तीन भी जा रहे हैं रास्ते। तो भाई मेरे को पता अब चल रहा है कि ये बैच क्यों लग रहे हैं, ये लगे थे 120, फिर वहाँ पे काउंटिंग होगी 120 बंदे पहुँचे भी कि नहीं पहुँचे।
तो ये देखिए कुछ बंदे हमारे यहाँ पे और अलग अलग सोलो सोलो राइड में आ रहे हैं सब कुछ, और दूल्हा आगे चले गया घोड़े पे, तो देखते हैं अभी। ना अपने साथी को साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही है हमको बारात में। चलो 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 करेंगे मदद। तो यहाँ से सीधे बाएं भाई साहब रास्ता रहे भाई, तो यहाँ पे तो राम जी का नाम लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्लॉगिंग तो कर नहीं पाऊंगा मैं, चलते हैं। तो ये सबसे खतरनाक फैसला, अगर यहाँ से नीचे गिरते हैं तो सीधे नीचे भाई। तो रास्ता आप देख सकते हैं गाइस, काफी सकरा। तो हम पहुंच चुके हैं, तो यहीं पे होगी जयमाला, और यहाँ ऐसा होता है महिला उधर बैठती है पुरुष इधर बैठेंगे सारे। नेक्स्ट श्री राकेश सिंह जी भाई, राकेश और नेक्स्ट श्री पवन भाई है, मतलब मंदिर के लिए आप जय माता दी बनाएंगे, तो जय भाई है। तो हम पहुंच चुके हैं घर पे, अभी फोड़ रहे हैं स्काई शॉट, बारात वहाँ नीचे देख सकते हो आप। तो माचिस लाओ यार जल्दी। हम लोग दो दिन ना, मैं भाई तो मैं एक दिन आऊंगा, दो महीने बाद दोबारा आना है मेरे लिए। मैं तुम्हें कहा था मैंने रुकना है दो दिन और रुको, मेरे लिए कितने दिन रुकोगे? मेरे लिए तो चार दिन आओगे। हां चार पांच रुक जाऊंगा, पौड़ी जाऊंगा मैं एक दिन। पौड़ी तो तुम आते रहते हो भाई। मैं एक फुटबॉल में जाऊंगा, भंडारा भी एक ही दिन का होता है, भंडारा भी एक ही दिन का होता है, कोई एक ही दिन रुकना ठीक है। तो अंजन भाई तब आएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हवा बहुत ही तेज चल रही है यहाँ से, और सामने आप वो सामने दूधा तोली रेंज देख सकते हो आप, सामने हमारे लेसर हिमालयस जो की गढ़वाल की शान बढ़ाता है। तो गाइज इस ब्लॉग को करेंगे यही एंड, होप आपको ये वाली पहाड़ी वेडिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही अच्छी होती है गांव की शादियां, इतनी मतलब देश विदेश में जो शादियां होती है बड़ी बड़ी, उससे कई लाख गुना अच्छी हमारे पहाड़ की शादी होती है। तो आप लोग भी आइए, कभी आपको मौका मिलता है तो पहाड़ की शादी ज़रूर अटेंड करें, आपको यहाँ के ट्रेडिशनल के बारे में पता चलेगा, यहाँ का कल्चर आपको पता चलेगा।